तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं अभी उधमपुर से। ये उधमपुर सिटी देख सकते हैं आप, ये देखिए, और सामने ही देखने को मिलेंगे आपको पहाड़। अभी शॉप्स वगैरह यहाँ सभी बंद है क्योंकि 7:30 हुए हैं, टाइम अर्ली मॉर्निंग का है। तो ये आ गए हम हाईवे पे उधमपुर चेनानी नसरी। ये चेनानी वाला हाईवे श्रीनगर, ये देखिए सामने श्रीनगर का बोर्ड आ गया। पटनी टॉप 45 किलोमीटर है, डोडा 110, रामबन 48 और श्रीनगर 186, ले 616 616। धूप निकल आई है और सूरज इतना तेज निकला, हमने सोचा था आपको सनराइज दिखाएंगे, वो हमसे पहले ही निकल चुका। धूप है, इतना मस्त मौसम हो रहा है ना, और ठंड का नामो निशान नहीं है अब, बाहर ठंड लग रही है। ये सर्विस रोड से ले लिया हमने नीचे, ये जा रहा है पटनी टॉप के लिए, और जो ऊपर वाला रास्ता है जो सीधा जा रहा था फ्रेंड्स, वो देख सकते हैं आप, वो जा रहा है चेनानी नसरी होते हुए पटनी टॉप को ना क्रॉस कर देगा, टनल आता है। टनल से तो हम पहले जा चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं लद्दाख वाली वीडियो में, तो अभी चलते हैं पटनी टॉप होते हुए। तो फ्रेंड्स ये देखिए इतनी धूप निकल रही है, और यहाँ पर, और यहाँ देखिए बादल उड़ रहे हैं, क्या मस्त नज़ारा है एकदम। इतना चिल्ड मौसम हो रहा है ना, आप गाड़ी से निकले आप ठंड लग रही है इतनी धूप में भी। तो देख सकते हैं आप मेरे पीछे एकदम मस्त वाला मौसम हो रहा है, बादल उड़ रहे हैं, और ये अब बस पटनी टॉप यहाँ से आई थिंक 15 किलोमीटर रह गया है, तो 20 मिनट में आई थिंक पहुँच जाएंगे हम, ज़्यादा दूर नहीं है। मौसम मस्त है एकदम, बट स्नो मिलेगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा पटनी टॉप पर। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं पटनी टॉप के टॉप पॉइंट पर। तो यहाँ से कुछ एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ से चिल्ड्रन पार्क, फूड पॉइंट, रेलवे हट और पडोरा चौक, नाग टेम्पल, रोप वे, ये सब ऊपर है, और यहाँ से ना शायद एंट्री है कुछ। ये टू व्हीलर व्हीकल का 20 रुपीज़ है, लाइट मोटर व्हीकल का 40 रुपीज़ है, और 80 है, 150 सबका चार्ज है, बट ना ये अभी बंद है, जो यहाँ पर एंट्री पॉइंट है ये बंद है। तो रास्ता है, देखते हैं ऊपर जाकर, शायद ऊपर भी एक मेरे को वहाँ चेक पोस्ट सा लग रहा है, वहाँ देखते, नहीं होगा तो सीधा ऊपर चलेंगे। यही पटनी टॉप का टॉप पॉइंट है, थोड़ा सा ऊपर, वहाँ से दिखाएंगे आपको गजब के नज़ारे। ये ऊपर हम आ गए पटनी टॉप, और ये शॉप्स वगैरह आई थिंक खो के रखे हुए हैं, ये बंद है। ये देखिए शॉप कितनी मस्त वाली है, बच्चों के लिए अच्छी लगेगी अगर बच्चे यहाँ आते हैं तो। ये मैक वेगी की शॉप है, कार्टून बने हुए हैं ये, और देखते हैं यहाँ पर, यार हमें भी पता नहीं चल रहा और ऊपर जाना है, यही सब कुछ है पटनी टॉप पे। और नीचे ना चिल्ड्रन पार्क है, नीचे दिखाता हूँ मैं आपको भी, बहुत सॉरी पैर मुड़ गया भाई, अभी चोट लग जाती पैर मुड़ गया मेरा। तो यह नीचे का कुछ व्यू, ये कुछ चिल्ड्रन पार्क है। तो फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं पटनी टॉप, और पटनी टॉप पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ये देखिए ये है कुछ यहाँ छोटी सी मार्केट टाइप से, ये कुछ शॉप्स यहाँ पर, कुछ शॉप्स हैं। तो हमने भी पराठा और चाय ऑर्डर कर दी भाई, ठंड एकदम गजब वाली है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ पर एकदम, जो हवाएं एकदम चिल्ड वाली हैं, बर्फीली हवाएं, सुन्न कर दिए इसने हाथ पर। अभी पराठा खाते हैं, बल्कि धूप है यहाँ काफ़ी ज़्यादा, धूप में तो थोड़ा बहुत नॉर्मल है, बट धूप से हट रहे ना तो हवा बहुत ज़्यादा लग रही है। हमने चाय पराठा ऑर्डर किया है, उसको खाते हैं और आपको यहाँ के और ज़्यादा व्यूज दिखाते हैं। चाय ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म, लेती इतनी बर्फ हो रही है, और इतनी ठंड है यहाँ पर, बहुत एक्सट्रीम वाली ठंड है यार। अभी पराठे का इंतजार कर रहे हैं और दोबारा लेंगे। देखो भाई घोड़े पे लाया सामान बंदा, ये देखो यहाँ जब आ गए अपने पराठे, पराठे खाते हैं, मस्त हो रहे पराठे, लेकिन भाई ठंडा हो रहा है जो भी खा रहे हैं, एकदम सुन्न हो रहा है। यह है कुछ मार्केट जो भी लगी रही है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको लगने में, और ये रेस्टोरेंट वगैरह है यहाँ बच्चों के लिए एक्टिविटी, जहाँ हमने अभी
ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद ही रास्ता आ रहा है, पीछे पार्क है काफी बड़ा और यहाँ पर मार्केट लग रही है अच्छी खासी। यहाँ पर हो रही है जिप लाइनिंग, ये हो रही है, ये देखिए बच्चों के लिए ये पार्क है, चिल्ड्रन पार्क, और ये कुछ हट्स वगैरह बनी हुई है। व्यू एकदम गजब का, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन भाई जो ठंड है ना इस धूप में भी, जैसे हमें लद्दाख में ठंड लग रही थी ना, ऐसे लग रही है यहाँ। आई थिंक 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर होगा, आई थिंक, बस बर्फ नहीं जम रही, बाकी सुन्न कर दिया, हाथ पैर बिल्कुल सुन्न कर दिया, बोला तक नहीं जा रहा, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम वाली ठंड है। और यहाँ पर जो भी आ रहा है बस अपना चाय वाय पी रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं लोग, ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं रहे क्योंकि ठंड ज़्यादा तो यहाँ नुकसान दे जाएगी। बाकी कुछ नहीं है, अपना हो गया मोए मोए, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ नहीं मिली। अब यहाँ से निकलते हैं कश्मीर की तरफ। हम आ गए हैं वापस से बाहर नेशनल हाईवे 44 पे, और वो देखिए सामने चेनानी नसरी का टनल। अगर हम टनल से आते तो डायरेक्ट यहाँ से आ जाते, और आई थिंक ये 5-7 मिनट का ही रास्ता था वहाँ से यहाँ तक का, जो दो हमने 2-3 घंटे में क्रॉस किया है। तो ये आ गई एक टनल, ये सिंगल साइड है, आने का नीचे था आई थिंक। ये देखिए अच्छा खासा टनल है भाई, पूरा का पूरा अंधेरा हो रहा है, मस्त। और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ मिला है थोड़ा सा ट्रैफिक और ये नीचे नदी बहती है। यहाँ पर थोड़ा सा रश है अभी तक, जब से हम दिल्ली से चले अभी तक ट्रैफिक नहीं मिला है ना राहुल? हाँ, बीच में कभी कभी मिला, थोड़ा बहुत मिला था, माइनर, कल मिला छोटा-छोटा था से पहले, वो जो ऑफ रोड था, बट पहाड़ों पे नहीं मिला जैसे यहाँ मिला है ना। देखिए फ्रेंड्स ये कहाँ पर ड्रिल कर करके आ रहे हैं, बंदा खिसक खिसक का आ रहा है, कुछ सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं, और डायरेक्ट ऐसे आ रहा है वो बंदी भी, पैर स्लिप होगा तो जाली से सीधा नीचे आएगा। हम पहुंच चुके हैं बनिहाल, ये देखिए कैसे लकड़ी के घर है छोटे छोटे से, प्योर बिल्कुल एकदम लकड़ी के पुराने जमाने के, रास्ते भी उनके अंदर अजीब नहीं लग रहे हैं, और छोटी छोटी सी शॉप्स हैं। इसके बाद कश्मीर तक आपको ना कोई मार्केट नहीं मिलेगी, क्योंकि हम यहाँ पहले जा चुके हैं यहाँ से लद्दाख से। अब थोड़ा सा बनिहाल क्रॉस करते ही ना यहाँ पर आ जाएगा एक टनल, बनिहाल टनल और रामबान टनल आता है आई थिंक वो, और वो पूरा क्रॉस करते ही जस्ट कश्मीर आ जाएगा। उसके बाद जो वैली का नज़ारा ना एकदम खूबसूरत होने वाला है, उसके बाद जो वैली का नज़ारा एकदम मज़ा ही आ जाएगा, नहीं राहुल? उसके बाद वक्त बदल देते हैं, जज्बात बदल गए, सब बदल जाता है, फीलिंग्स बदल जाएंगी आपकी, एक बार आइए तो सही, पधारिए तो सही, अलग ही मज़ा आता है यार, एक नंबर जो है ना, एकदम व्यू बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए सामने आ गई है टनल, ये है गाजीकुंड की टनल, इसको पार करते ही लाइफ बदल जाएगी, जज्बात बदल जाएंगे भाई, बिल्कुल एकदम कश्मीर जाने का यही एक लौता रास्ता है। यहाँ से पार होते आपको कश्मीर के नज़ारे नजर आएंगे, ये देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया गाजीकुंड बनिहाल गाजीकुंड टनल, और टनल जो है ना एक नंबर है भाई, ये देखिए क्या लाइटिंग वाइटिंग है, पूरी टनल में इतनी रोशनी है इतनी आपको बाहर नहीं मिलेगी, ये देखिए क्या क्लैरिटी है, बिल्कुल मस्त वाला व्यू एकदम। फ्रेंड्स ये है पूरी 9 किलोमीटर लंबी टनल, और सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है इसमें, और ये हम कर रहे हैं देखिए एग्जिट, ये बदल गए नज़ारे, हो गई सुबह, ये देखिए फोग कितना आगे का दिख नहीं रहा इसमें, ठंड ऐसी लग रही है इस टाइम पे। यहाँ पर हमने जैकेट उतार दी थी गाजीकुंड में बनिहाल में, और यहाँ इतनी गजब की ठंड, कुछ नहीं दिख रहा पूरे में, फोग ही फोग, कितनी ठंड हो रही है, हाथ निकाला इसने, मैंने बाहर से भी वीडियो बनाई ना, इतनी गजब की ठंड है, ये देखिए कुछ नहीं दिख रहा फोक से, जब से घर से चले ऐसा नजारा नहीं मिला यार, कश्मीर आए उसका आने का मजा ही अलग है, मैं तो कहूँ आज स्नोफॉल और मिल जाए यार, मजा आ जाएगा, नहीं मजा आ जाएगा जिस काम के लिए आए वो और पूरा हो जाएगा। नहीं सेल कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये मेन कश्मीर में एंट्री हमारी, अब कश्मीर टनल के बाद शुरू हो जाता है, यही वो टनल है जहाँ से लोगों की जिंदगियां बदल जाती है। ये देखिए गुलमर्ग बचा 126 और श्रीनगर है ओनली 70 किलोमीटर, बहुत ज्यादा दूर नहीं है श्रीनगर। तो ये देखिए यहाँ से श्रीनगर स्टेट, लेफ्ट पंपोर, बांदीपुरा भी स्टेट, और लेह बचा है 400 कुछ, हमें श्रीनगर की तरफ जाना है, 18 किलोमीटर है श्रीनगर। यहाँ से फ्रेंड्स जैसे ही आप टनल से निकलोगे पीछे बनियाल वाली, सामने पूरा सामने आती है ना ये आएगा एकदम टी पॉइंट, ये लेफ्ट और उस साइड में राइट, उस साइड में चले जाओगे तो आप डायरेक्ट डल लेक जाओगे, और यहाँ से हमने लिया है लेफ्ट, ये रास्ता काफी खराब है, तो यहाँ से डल लेक की बैक साइड में हमने होटल लिया है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँच चुके हैं कश्मीर, और कश्मीर में हमने रूम लिया है बिल्कुल डल लेक के पास, हमने लिया है होम स्टे, तो यह है अपना होम स्टे, देखिए इसमें हम रुके हुए हैं, यह रास्ता कुछ अंदर आने का, यहाँ तो मेन रोड जा रहा है लेक के साथ साथ ही, पास में ये लेक यहाँ से, और अभी आपको दिखाते हैं अंदर चल के, ये हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी है,
और इसके अंदर भी बैग्स वगैरह इसी के अंदर है। हम बस फ्रेश होकर यहाँ से थोड़ा सा कुछ खा पी के यहाँ से निकलते हैं डल लेक घूमने के लिए। तो अभी दिखाते हैं आपको रूम का एक टूर। ये अपने होटल का कुछ व्यू, ये बाकी कमरे, और ये देखिए हर जगह मेड बिछी हुई जीने पे भी। स्लीपर्स ना बाहर उतारते हैं, वहाँ जैसे एंट्री करते हैं ना बाहर से, वहीं स्लीपर्स शूज़ वगैरह वहीं उतारते हैं। और यहाँ अंदर रूम में कोई शू अलाउ नहीं है, यहाँ आपको टॉयलेट में स्लीपर्स मिल जाएंगी बस। ये देखिए ये टॉयलेट का कुछ व्यू, एकदम नीट एंड क्लीन है। अभी चलते हैं डल लेक वगैरह घूमने, तो दिखाएंगे आपको जल्दी डल लेक के गजब के नज़ारे। अभी तक का तो सफर बहुत मस्त रहा यार, एकदम मजा आया। और जो ठंड है ना यहाँ पर ऑलमोस्ट 0 डिग्री होगी भैया ने बताया, और माइनस में हो जाएगा बहुत जल्दी इवनिंग में 7:30-8 बजे, मतलब 5 के बाद कभी भी इवनिंग में माइनस में हो जाता है। और सुबह तक ऐसे ही रहेगा, सुबह बता रहे थे यहाँ 12 बजे तक भी फोग थी इस रूम से बाहर रूम का ना, सामने जो गाड़ी खड़ी हमें वहां तक का नहीं दिख रहा था। तो देखते हैं कल का कैसा रहेगा टेम्परेचर, कैसा रहेगा, निकलेंगे फिर आगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे सोनमर्ग। ये देखिए ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट, समझे खाना डिनर लंच कुछ भी, क्योंकि यार सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था रास्ते में, है ना राहुल। और जब से ब्रेकफास्ट किया है ना तब से उसके बाद हमने ना एक एक पराठा दो चाय पी गए थे वहां पटनी टॉप पे। उसके बाद अब गाड़ी रोकने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत थी, तो हमने सोचा रूम पे पहुंच के खाना खाएंगे। ये होम स्टे लिया हमने, यहाँ पर खाने की फैसिलिटी है बट अभी उसमें बनाने में टाइम लगेगा, तो हमने डिसाइड किया थोड़ा सा ना यहाँ ब्रेकफास्ट टाइप से कुछ हल्का सा ले लेते हैं, ब्रेड जैम के साथ। वॉट हाउस है सारे।